हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेल ट्यूटोरियल की। एक्सेल ट्यूटोरियल के दूसरा भाग है, सेकंड एपिसोड कह सकते हैं इसको हम। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि एक्सेल का जो एलिमेंट्स है, एक्सेल का जो विंडोज़ के अलग अलग पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेल में एक वर्कबुक बनाना, कैसे हम एक्सेल में वर्कबुक को बनाते हैं, उसे सेव करते हैं न्यू वर्कबुक को, और उसके फाइल बनाते समय हमको कौन कौन से ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से इसके ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक्सेल में न्यू वर्कबुक फाइल बनाना और उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये हमारा एक्सेल का विंडो एप्लीकेशन खुला हुआ है। यहाँ पर हमारे पास में ये सारे मेन्यूज दिख रहे हैं। हमको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद अपन न्यू पर क्लिक करते हैं और ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट पर अपन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपका क्रिएट एक न्यू वर्कबुक बुक नाम से आ जाएगी। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं न्यू वर्कबुक बनाने के लिए। कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की दबाएंगे हम। कंट्रोल प्लस एन की दबाने से भी हमारे पास में एक न्यू वर्कबुक बन करके आ जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, न्यू वर्कबुक में आपको तीन शीट मिलती है काम करने के लिए, शीट वन, शीट टू और शीट थ्री, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा डाटा तैयार करते हैं और फिर उसको हम सेव करेंगे वर्कबुक में और फिर अगेन उसे ओपन करके देखेंगे। तो ये हमारे सामने एक शीट खुली हुई है। यहाँ पे एक मैं डाटा तैयार करना चाहता हूँ, तो एक छोटा सा डाटा, मैं सिंपल डाटा तैयार करता हूँ स्टूडेंट्स का। जैसे सीरियल नंबर लिखा मैंने, इसके बाद मैं स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल। अब यहाँ पे डाटा जो एंटर करना है आपको एक्सेल में, ये बहुत ही मतलब स्पेशल है कि आपको हर कॉलम में, एक अलग कॉलम में आपको डाटा एंटर करना है। जैसे सीरियल नंबर का एक कॉलम हो जाएगा, स्टूडेंट नेम का एक कॉलम हो जाएगा, फादर्स नेम का एक कॉलम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल। जितने आपको कॉलम में फील्ड्स इंसर्ट करने हैं उतने आप कर सकते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी टेबल बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको 16,384 कॉलम्स की फैसिलिटी देता है, और इसी प्रकार से रो भी आपके पास में बहुत है काम करने के लिए। इतना बड़ा डाटा शीट आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं डाटा शीट आपको तैयार करके बता रहा हूँ। तो ये सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, जैसे स्टूडेंट नेम अब दब रहा है, सभी को मेरे को अब सेकेंड लाइन में लाना है मान लीजिए। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ड्रॉप टेक्स्ट कर लूँगा, तो ये सेकेंड लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको उसी सेल में टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, इतनी ही बड़ी सेल में आपको टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रॉप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली डाटा आपका उसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा नीचे वाली लाइन में। इसके बाद में मैं यहाँ पर होम टैब में जो रिबन है और इसमें अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट का चुनाव सिलेक्शन करूँगा, तो ये सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद में आप देखते हैं स्टूडेंट नेम के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए, तो आप स्टूडेंट नेम ऐसा आप सेलेक्ट करके इस रो को, इस कॉलम को खींच करके बड़ा, ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ही आप फॉन्ट वाले भाग में ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ये बॉर्डर्स है, यहाँ पे अलग अलग तरह की बॉर्डर आप ला सकते हैं, तो हमको ऑल बॉर्डर चाहिए, तो ये ऑल बॉर्डर आप क्लिक करेंगे तो ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग है, तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, और इसमें बॉर्डर्स में आप थिक बॉर्डर बॉक्स रख सकते हैं, तो ये डार्क बॉर्डर में आ जाएगी। इसके बाद में आपको इन बॉर्डर, ये जो लाइन है आपकी, जो रो है, इसमें आपको बढ़ाना है, थोड़ा सा हाइट ऊँची करना है, तो आप इस तरह से इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर किसी भी एक रो में जा कर के आप इसको ड्रैग कर देंगे नीचे की तरह, तो ये एक साथ सारी रोज बढ़ जाएंगी। इसके बाद में सीरियल नंबर हम पहले से डाल देते हैं, जैसे 1, 2, मान लीजिए आपको बहुत सारे नाम लिखने हैं, तो इस तरह से आप मैन्युअली डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑटोमेटिक भी नंबर को लिख सकते हैं। ये एक्सेल में बहुत अच्छी फैसिलिटी, 1 और 2 लिखिए और यहाँ पर माउस पॉइंटर लाइए, जब ये प्लस का निशान आ जाए तब इसे पकड़ करके आप इसको ड्रैग कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी गिनती लिखना स्टार्ट कर देगा और जहाँ पे रोकेंगे वहाँ तक वो गिनती लिख देगा। इस तरह से आपका ये डाटा शीट तैयार हो जाती है। अब इसमें आप डाटा को एंटर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे एक हेडिंग देना चाह रहे हैं,
अब हेडिंग देने के लिए ऊपर एक रो नहीं बची हुई है, अब रो को हमको इंसर्ट करना होगा। तो हम किस तरह से ऊपर एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे एक पॉपअप मेनू आएगा, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में एंटायर रो पर हम सिलेक्शन करेंगे और उसको ओके कर देंगे, तो एंटायर रो में एक रो ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसका एक हेडिंग लिख देता हूँ, स्टूडेंट डाटा शीट करके, और अब इसे मुझे सेंटर में करना है इसके इस टेबल के सेंटर। तो टेबल जो टेबल है आपका, उस सेंटर तक आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के द्वारा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अलाइन में मिडिल अलाइन कर देंगे तो ये एकदम सेंटर में जाएगा। इसको आप बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, इसे आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, कलर जैसे बदलना है फॉन्ट का, तो ये फॉन्ट पे जा करके भी कलर बदला जा सकता है। तो ये इस तरह से आपकी एक डाटा शीट तैयार हो जाएगी। अब इसे मुझे सेव करना है। अब सेव करने के लिए आप फाइल में आएंगे, फाइल में सेव और सेवेज हैं। सेव फर्स्ट बार यदि आप सेव कर रहे हैं तो सेव कर सकते हैं, और यदि सेकेंड बार ऑप्शन आप एक और बार सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे नाम से या दूसरे फॉर्मेट में, तब आप सेवेज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो हम अभी सेव का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो सेवेज टाइप में देखिए एक्सेल वर्बो के नाम से फाइल सेव होती है, और यह फाइल नेम आ जाता है। फाइल नेम में यहाँ पे आपको बुक का नाम देना है, जिस नाम से भी आप वर्बो को सेव करना चाह रहे हैं। तो ये मैं डाटा शीट के नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, तो ये माय डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है फाइल आपकी। तो ये इस तरह से आपकी फाइल जो है सेव हो गई। इसमें आप शीट वन में भी शीट का नाम रख सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो शीट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे स्टूडेंट शीट, शीट का नाम भी दे सकते हैं ताकि आपको पता रहे, यदि आप दूसरी शीट में काम कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि इस शीट में क्या है। तो स्टूडेंट शीट में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा डाटा शीट, और इसे हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये जो फाइल बनी है सेव एस, सेव करने पे XLS फाइल बनी हुई है। कंट्रोल W से हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं, और फिर दोबारा जब अपन ओपन करेंगे तो कंट्रोल O या फाइल में जा कर के ओपन, ये ओपन करेंगे हम और डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और यहाँ पर डाटा शीट नाम से हमारी शीट बनी होगी। ये देखिए डाटा शीट नाम से ये फाइल है, इसे मैं ओपन कर सकता हूँ, तो ये वापस ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि एक नई वर्कबुक हम कैसे बना सकते हैं डाटा शीट का प्रयोग करके, और इसको सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा। इसी प्रकार की अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।